हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th साइंस इंग्लिश मीडियम NCERT CBSE RBSE। स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज गोइंग ऑन। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे और उन रिजल्ट से उन्होंने यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स दिए और कंक्लूजन के बेसिस पर उन्होंने अपना एटम मॉडल प्रपोज किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो नोट कर रहा हूँ मैं, कंक्लूजन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के क्या क्या कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ऑब्टेन किए थे, वो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट उसने कंक्लूजन दिया था, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का मोस्टली पार्ट कैसा होता है स्टूडेंट्स, एम्प्टी होता है, एम्प्टी एंड चार्जलेस, एंड चार्जलेस। सो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन। रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पर पहला कंक्लूजन उन्होंने जो दिया था वो क्या दिया था कि एटम का जो मोस्टली पार्ट है वो वैकेंट होता है, एम्प्टी होता है, चार्जलेस होता है, इसलिए ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने जो कंक्लूजन दिया है स्टूडेंट्स, वो कंक्लूजन है सम अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए थे ना, तो सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दियर पाथ From their path, indicating that कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से विचलित होते हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि the positive charge of the atom occupies the पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज, जो एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। यानी कि सेकंड इसका जो कंक्लूजन है वो क्या कहता है, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए थे अपने रास्ते से, जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का वो एक छोटे से स्थान पर सीमित होता है। थर्ड इसका कंक्लूजन जो था वो था, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाई वर डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री, यानी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो 180 डिग्री पर क्या होते हैं, डिफ्लेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज, जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, वो एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेंथ और मास जो होता है ऑफ द एटम वर कंसंट्रेटेड, चार्ज एंड मास वाज कंसंट्रेटेड पूरा पूरा चार्ज और मास कंसंट्रेटेड रहता है इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो स्टूडेंट्स, थर्ड जो कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है कि बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्टेड होते हैं, और जो इस बात से ये इंडिकेट होता है कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज और मास है एटम का, वो एटम के अंदर बहुत ही छोटे से स्थान में केंद्रित होता है, इस बात को ये कहता है कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, इस इन कंक्लूजन के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। अब नोट करते हैं हम एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, क्लियर। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंक्लूजन रदरफोर्ड represented following model of an atom। इन कंक्लूजन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया वो अब हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। ये है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और अब तक स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे थे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो इसने पहली जो इसकी पोस्टुलेट थी वो की थी, क्या थी, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास दी एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम। एटम का जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज और मास जो होता है आर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर्ड एट स्टेट्स सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का जो पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज और जो मास होता है वो एटम के न्यूक्लियस में सेंटर्ड होता है, केंद्रित होता है, ठीक है ना। सेकेंड पोस्टुलेट थी इसकी, most of the part of the atom एटम का जो अधिकांश भाग होता है इज एम्प्टी
इन विच इलेक्ट्रॉन मूव विद हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, जो एटम का मोस्टली एम्प्टी पार्ट होता है उसके अंदर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ को क्या बोला गया, दीज सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इस सर्कुलर पाथ का नाम दिया गया ऑर्बिट्स। थर्ड पोस्टुलेट थी इसकी, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। सो इट इज कंफर्म दैट तो ये निश्चित है कि एच मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम, एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम, एन एटम यानी कि जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जितनी संख्या में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर एटॉमिक मॉडल का रदरफोर्ड का डायग्राम हमको बनाना पड़े तो हम एटॉमिक मॉडल को इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे और इसके अंदर आप बीच में सेंट्रलाइज कर दो किसको, पॉजिटिव चार्ज को जिसको बोलोगे आप न्यूक्लियस, और सर्कुलर पाथ आप यहाँ पर शो करो और इस सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा दो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का यहाँ पर आप फिगर भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, और स्टूडेंट्स रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी रह गई थी, उन ड्रॉबैक्स को भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स फर्स्ट में चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एटम किस प्रकार से स्टेबल रहता है, इसलिए इसके मॉडल को डिसप्रूव कर दिया गया था। और दूसरी लिमिटेशन थी इट कुड नॉट मेक क्लियर, ये स्पष्ट नहीं कर सके
द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थी उसको भी ये स्पष्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। क्योंकि क्यों नहीं कर पाए थे, तो देखो मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उस मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि आप जब इस बात को कहते हो कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, यानी कि ये सर्कुलर पाथ हो गया इसका और इसके अंदर ये मूव कर रहे हैं, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी को इमिटेड करेंगे और धीरे धीरे इनकी एनर्जी लेस होती जाएगी और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो स्टूडेंट्स एटम का तो जो अस्तित्व है वो ही समाप्त हो जाएगा, और ऐसा कभी नहीं होता है। इस चीज़ को ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इनके मॉडल को डिसप्रूव्ड कर दिया गया था, ठीक है ना। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो उसकी एनर्जी होगी धीरे धीरे लॉस होगी, क्योंकि जैसे मैं इस चौक को अगर यहाँ पर सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव कराऊंगा तो घिसेगा तो और घिसेगा, जैसे आप कोई भी आयरन लोहे की एक कील ले लो और उसे पत्थर के ऊपर रगड़ो तो वो घिसेगी भी, और उसको जब यहाँ से टच करके देखोगे तो वो गर्म भी होगी, यानी कि एनर्जी तो रिलीज करती ही है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर मूव कर रहा है, इसके रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, तो इसकी एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस हो जाएगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो एटम तो डिस्ट्रॉय माना जाएगा, जबकि ऐसा नेचर के अंदर नहीं होता है। तो मैक्सवेल की इस बात को ये रदरफोर्ड क्लियर नहीं कर पाए थे। तो स्टूडेंट्स आज आपका ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और एटॉमिक मॉडल और इसकी ड्रॉबैक्स के साथ पूरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स।